व्यक्ति एक, रूप अनेक, बहुरूपिया। IGNCA में 3 दिवसीय एक इवेंट चल रहा है जिसमें देश भर से अलग अलग बहुरूपिया आए हैं। यहाँ जो मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो गांधी, अंबेडकर और शास्त्री एक साथ खड़े हैं। जैसा और जो राजनीति है, देश की राजनीति रही है, उसमें ऐसा दिखता नहीं कि गांधी, अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री एक साथ खड़े हों, मगर यहाँ ऐसा है। बहुरूपिये ने उन सारे रंग को एक साथ कर दिया है। हम बहुरूपियों से ही बात करते हैं कि वो उनके जहन में ऐसा कैसे ख्याल आया कि उन्हें ये किरदार करने चाहिए, और वो और इसके अलावा कौन कौन से किरदार करते हैं। अंबेडकर बोलिए, आप फुल टाइम आपका यही काम है? नहीं, मैं गोवा पुलिस में गए 34 ईयर्स से सर्विस कर रहा हूँ एज ए हेड कॉन्स्टेबल अभी हूँ मैं। तो आप और कौन कौन से किरदार धरते हैं? मेरा लिम्का बुक में रिकॉर्ड है, मेरा 41 मिनट में मैंने 21 गेटअप्स चेंज किए हैं, और 2015 में मेरा लिम्का बुक में नाम नोंद हुआ है। बहुत सारे किए थे मैंने, तानाजी मालुसरे, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, और बाद में गोवा का ट्रेडिशन है वो, उसमें का पाड़ेली, रेंदेर, वो गुरगुड़ी ओढ़ने वाला, ऐसा अलग अलग मैंने किया है। उन तमाम किरदारों में आप अपने आप को किस किरदार के सबसे नज़दीक पाते हैं? ये सबसे अच्छा मेरे फेसिंग को सूट होता है बाबा साहेब अम्बेडकर, ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, और ये किरदार के ऊपर मैंने बहुत सारे प्राइज भी लिए हैं। ठीक है। गांधी जी, आप अपना नाम एक बार बता दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, नाम मेरा सिकंदर अब्बास है, गुजरात के हालोल शहर से, पंचमहल ज़िले से हूँ मैं, ज़ात से बहुरूपिया हूँ, ख़ानदानी बहुरूपिये का मेरा बुज़ुर्गों का पेशा है। और रही बात किरदारों की, कितने किरदार किए, तो सर एक भिखारी से लगा के शहंशाह तक जितने भी किरदार होते हैं, और उससे अलावा भी बहुत सारे किरदार किए मैंने। अभी शिवाजी किया, बहुत अच्छा हुआ, बाजीराव किया, वो भी लोगों ने बहुत सराहा। 2 अक्टूबर को इस दिल्ली शहर में, ये मेरी 48 साल की उपलब्धि है, अचीव है ये मेरा, कि उस महानायक के जन्मदिन पर दिल्ली शहर में मैं उनके पात्र को रूप दे सका, ये मेरी खुशकिस्मती है साहब। जैसे हमेशा जो बात सुनी जाती है बहुरूपियों को कि बहुरूपिया डाइंग आर्ट है, ख़त्म हो रहा है, क्या आपने अपनी जनरेशन, अगली जनरेशन को शिफ्ट किया है, या आपसे कुछ लोग ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए आते हैं क्या? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक वकील के पास पढ़ लिख के वकालत पास करके बहुत सारे असिस्ट करने आ जाते हैं, इसलिए कि उनको अपना भविष्य, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है। अब बहुरूपिये के पास भी आएँ, लेकिन उनको अपना भविष्य नहीं नज़र आता। जितना बहुरूपिया कला करता है, जितना वो खर्च करता है मेकअप पे, ड्रेसेस पे, आने जाने पे, रहने पे, खाने पीने पे, उतना उसको वापस आता नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी खिला दे, परदेश जाके खुद भी खा पी के रोल कर दे, और उनको पढ़ा लिखा भी ले, उनकी आने वाली भविष्य के लिए 2 पैसे बचा ले, खुद की बुढ़ापे के लिए कुछ बचा ले, ऐसा इतना कमा नहीं पाता है। अब इतना करके भी मैं गांधी जी बनने के लिए असली मैंने अपने बाल मुंडवाए, इसलिए कि अगर कुछ भी नकली करूँगा, कैनवासिंग करूँगा या पाउडर से बनूँगा, तो मैं उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। अब आप बहुरूपिया को देख लीजिए कि वो अपने रोल, अपने किरदार को मुकम्मल करने के लिए वो कहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे आप लोग क्या फिल्मों में भी किरदार करते हैं, या जैसे ये तो सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम है पूरा, और सरकार इसको फंड कर रही है, तो क्या फिल्मों में भी आप लोग काम करते हैं क्या? अब मान लीजिए कि सबसे कम कम्युनिटी मेरी है, 30-35 हज़ार लोग हैं, हम पूरे भारत में सबसे लघुमती हम हैं, और हमारी किस्मत संवारना किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल का काम नहीं है। अब मान लो मैं फिल्में करता हूँ, गुजराती फिल्में की, राजस्थानी की, भोजपुरी की, सीरियलें की, अलीफ लैला की, और आपके सिंधबाद जहाज़ी की, काफ़ी सीरियलें की, रामानंद सागर साहब की मैंने 12-13 साल तक सीरियलें की, लेकिन उससे सब बहुरूपियाओं पर फ़र्क नहीं पड़ता है ना साहब।
यहाँ बात है कि बहु रुपया आज 5 तारीख 2018 को भी बहु रुपया घुमक कर जाती मैं है, क्योंकि उसकी दुकान एक शहर में नहीं चलती है। बहु रुपया के बच्चे जब घुमक कर ही रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, एजुकेशन कैसे मिलेगा उसको। अगर वो बहु रुपया भी करता है तो एक अनपढ़ बहु रुपया और एक पढ़ा लिखा बहु रुपया बहुत बड़ा फर्क होता है। कि जिसने अकबर का इतिहास पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा है और वो उस कैरेक्टर को करता है तो उसकी गरिमा को समझता है, उस पात्र को समझता है। लेकिन अब आज तक तमाम घुमक कर जातियों पे, तमाम जातियों पे ध्यान दिया गया, बहु रुपया जाति पे किसी गवर्नमेंट ने ख्याल ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि इसका भी उद्धार करना चाहिए। जबकि ये सबसे पुरानी संस्कृति है, बहु रुपया हिंदुस्तान का सबसे पहला कलाकार है, बहु रुपया सबसे पहला मेकअप मैन है, सबसे पहला जासूस है, सबसे पहला ब्यूटिशियन है। और बहु रुपया कला जो है ये देवों की कला है, इंसान की कला नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को गांधी जी जैसा बना के दुनिया के सामने खड़ा करना, अपनी रूह में गांधी को बसाना, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, तमाम चीज़ें, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, है ना। और इतना करने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा, हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट और के लोगों से करवा रही है, वो सब हम कर सकते हैं। क्योंकि ये काम मैं जानता हूँ, ये मेरे बाप दादों ने पैदा किया, भारत में एक्टिंग बहु रुपया के बुजुर्गों ने पैदा की है। रामलीला हमने गाँव गाँव सीरियल के जो रचयिता हैं वो बहु रुपया हैं, क्योंकि वो एक महीने तक रामायण दिखाते थे, महाभारत दिखाते थे, एक घंटा आज दिखाई, एक घंटा कल दिखाएंगे, तो सीरियल, ये सीरियल हुई नहीं हुई, है ना। तो इतना करने के बावजूद आज नहीं तो 10 साल बाद में बहु रुपया इतिहास हो जाएगा, ठीक है, किताबों में पढ़ा ठीक ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री, गुदड़ी के लाल, जय जवान जय किसान नारा देने वाले, इस बीच एक बहुत बड़ा किसानों का जलसा हुआ, वो दिल्ली में घुसना चाहता था, सरकार ने पहले उस पर घुसने नहीं दिया, आंसू गैस के गोले चले और उसके बाद रबड़ की गोलियां चली, वाटर कैनन से उन पर अटैक किया गया। तो एक लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आपको उनका किरदार प्ले करते हुए कैसा महसूस होता है? वो किया हुआ अच्छा नहीं हुआ, हिंदी नहीं। अच्छा तो आप बता दीजिए। वो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना मंगता था। अब किरदार, चूंकि जिस तरीके के किरदार ये लोग अदा करते हैं, उन किरदारों के साथ अब लाल बहादुर शास्त्री का इन्होंने रूप तो लिया है मगर हिंदी समझ में नहीं आती, तो जो भी भाषा समझ में आती है उनके साथ वालों का कहने का है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, सरकार को इसको और व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना चाहिए था। धन्यवाद।